आंखों वाली परी। बहुत पुरानी बात है, राजा करण सिंह एक बहुत दानी राजा थे। उनकी दानवीरता की हर तरफ प्रशंसा होती थी। उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता था। उनको एक बात का सबसे बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान ना थी। एक दिन किसी त्योहार का समय था और राजा के महल के सामने दान लेने वालों की बहुत लंबी कतार थी। दान देने का सारा सामान खत्म हो चुका था, लेकिन अंत में एक बुढ़िया जिसकी कमर झुकी हुई थी, जब उसकी बारी आई तब तक राजा के पास कोई सामान ना था। राजा ने जैसे ही उसको देखा, उन्होंने अपने गले का बहुमूल्य हार निकालकर उसके गले में डाल दिया। वह बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और अपनी लाठी टेकते हुए राजा को आशीर्वाद देते हुए चली गई। दूसरे दिन राजा जब अपने बगीचे में बैठे हुए थे, अचानक एक आम का फल नीचे गिरा। राजा ने जैसे ही उसे उठाना चाहा, कहीं से आवाज़ आई, राजा करण सिंह इस आम को अपनी रानी को खिला दें, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा उस आवाज़ को सुनकर चौंक गए और आगे पीछे घूम कर देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई ना था। तभी राजा ने देखा उनके बगीचे में एक बहुत खूबसूरत नीली आंखों वाली परी खड़ी थी। राजा ने उसे देखा और कहा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? तब उस नीली आंखों वाली परी ने कहा, आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, मैंने तो आपको पहली बार देखा है। वह नीली आंखों वाली परी बोली, याद करें कल जब आप दान दे रहे थे, उस कतार में सबसे अंत में आपने जिसको दान दिया था वह मैं ही तो थी। यह देखें, आपने जो हार दिया था वह मेरे गले में है। मैं आपकी दानवीरता से बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी इतने वर्षों की तपस्या सफल हो गई। इस आम को रानी को खिला दीजिए और आज से 9 महीने बाद रानी एक पुत्र को जन्म देगी। आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन आपने अपने कर्मों से संतान सुख प्राप्त किया है, जो आपको सिर्फ 21 साल की उम्र तक ही सुख दे पाएगा। जिस दिन उसका विवाह होगा उससे कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा करण सिंह ने निराश होकर उस नीली आंखों वाली परी से कहा, इस आकस्मिक मौत को टाला नहीं जा सकता। आप सिर्फ एक काम करिएगा, जब आपके बेटे की मृत्यु हो जाएगी तब आप उनकी अंतिम क्रिया मत करिएगा, बल्कि उसको एक संदूक में रखकर 4 दही के मटकों के साथ किसी जंगल में छोड़ आइएगा। राजा ने उदास मन से कहा, ठीक है। इसके बाद राजा वापस आ गए और उन्होंने आम अपनी पत्नी को खिला दिया। उससे ठीक 9 महीने बाद उनके घर संतान पैदा हुई। राजा के महल में खुशियां छा गई। बहुत से लोगों को बुलाया गया। दावत में नीली आंखों वाली परी भी आई। एक भव्य दावत का आयोजन किया गया। राजा ने जी खोल कर दान दिया। राजकुमार का नाम देव रखा गया। राजा और रानी की खुशी की सीमा नहीं थी। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बहुत समय बीत गया। राजा और रानी को परी की कही हुई बात भूल भी गई। राजकुमार जब 21 वर्ष का हुआ तब उसके विवाह के अनेक प्रस्ताव आने लगे और राजा ने एक सुंदर और बुद्धिमती राजकुमारी वत्सला के साथ उसका विवाह कर दिया। लेकिन विवाह के कुछ दिनों के बाद ही राजकुमार देव परलोक सिधार गए। पूरे महल में हाहाकार मच गया। चारों तरफ मातम छा गया। जब सभी लोग उसको अंतिम क्रिया के लिए ले जा रहे थे, तब राजा को अचानक नीली परी की कही हुई बात याद आई। उन्होंने कहा, राजकुमार को जलाने की जरूरत नहीं है। तुरंत उन्होंने एक संदूक मंगवाई और भारी मन से उसमें राजकुमार का मृत शरीर रखवा दिया। उसके साथ 4 दही के मटके भी रखवा दिए गए। राजा खुद जंगल में गए और घने जंगलों के बीच संदूक को एक बड़े वृक्ष के नीचे रखवा दिया। महल में लौटने के बाद उनका मन किसी काम में नहीं लगता था। राजकुमारी वत्सला अपने पिता के घर चली गई। राजा के महल में फिर से सोनापन पसर गया। इस बात को 1 साल बीत गए। एक दिन राजकुमारी वत्सला अपने महल में बैठी हुई थी, तभी एक भिखारी आया और उसने राजकुमारी से कहा, मैं कई दिनों से बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो,
राजकुमारी वत्सला उसके लिए भोजन लेकर आई। जैसे ही वत्सला ने उसको भोजन की थाली दी, उसने अपनी बंद मुट्ठी वत्सला के आगे कर दी। वत्सला बिल्कुल चकित हो गई। उसने देखा कि उसके हाथ में उसके पति की सोने की चेन थी, जो मरने के बाद उसके पति के गले में थी। उसने भिखारी से पूछा, बाबा सच सच बताओ, आपको ये चेन कहाँ से मिली? भिखारी घबराहट के मारे उठकर भागने लगा। वत्सला ने उसको बहुत प्यार से हाथ पकड़कर बैठाया और बोली, बाबा इस चेन के बारे में जानकारी लेना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तब भिखारी बोला, एक बार मैं भटकते भटकते घने जंगलों के बीच चला गया था, वहीं एक संदूक के पास मिली थी। वत्सला बिल्कुल हैरान हो गई और बोली, बाबा ये चेन मेरे पति की है और उस संदूक में मेरे पति का मृत शरीर था। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे उस जगह पर ले चलिए। भिखारी घबरा कर बोला, अरे नहीं राजकुमारी, उस जंगल में बहुत भयानक राक्षस और राक्षसियाँ हैं, आप वहाँ नहीं जा सकती, वे आपको मार देंगे। राजकुमारी वत्सला ने सिसकियाँ लेते हुए कहा, बाबा आपको मुझे वहाँ ले जाना ही होगा। भिखारी बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ। राजकुमारी ने भिखारी के साथ जंगल की तरफ प्रस्थान किया। जब वे लोग जंगल में उस स्थान पर पहुंचने ही वाले थे, तब भिखारी ने कहा, राजकुमारी अब मैं आगे नहीं जा सकता, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर ही एक बड़े पेड़ के नीचे वह संदूक है। राजकुमारी आगे बढ़ गई। वह भागती जा रही थी, अचानक उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर कुछ राक्षसियाँ उछल कूद कर रही थी। वह डर के मारे एक झाड़ी में छुप गई। रात हो गई थी। थोड़ी देर में सारी राक्षसियाँ चली गईं। तब राजकुमारी उस संदूक के पास पहुँच गई। उसने देखा कि राजकुमार उस संदूक में सोया हुआ था। राजकुमारी उसको ठीक से देख भी नहीं पाई कि कहीं से उसे पायल की आवाज़ और घुंघरुओं की आवाज़ आने लगी। वह हड़बड़ा कर वहीं एक झाड़ी में छुप गई और उसे डर भी लग रहा था, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वह सांस रोके बैठी हुई थी। चांदनी रात थी। अचानक उसने देखा कि वहाँ 8-10 खूबसूरत परियाँ आ गई। उनमें से एक परी की आंखें बिल्कुल नीली थी। तभी नीली आंखों वाली परी संदूक के पास आई और उसने संदूक का ढक्कन खोल दिया। उसके बाद उसने राजकुमार के सिर के पास रखी हुई एक लकड़ी उठाई और घूमकर उसके पैरों की तरफ आ गई। वह लकड़ी उसने राजकुमार के पैर के पास रख दी और पैर के पास रखी हुई लकड़ी उठा ली, उसको सिर के पास रख दिया। राजकुमार खड़ा हो गया और संदूक से बाहर निकल आया। सभी परियों ने उसको सहारा देकर बाहर निकाला और अपने साथ लाए हुए बहुत सारे फल मिठाइयाँ उसको खाने को दी। उसके बाद सबने मिलकर बहुत देर तक नाच गाना किया और लगभग 2 घंटों के बाद उन्होंने राजकुमार से कहा, अपने संदूक में चले जाओ। नीली आंखों वाली परी ने फिर देव के सर की तरफ वाली लकड़ी पैरों के पास और पैरों के पास वाली लकड़ी सिर के पास रख दी। राजकुमार संदूक में सो गया। सभी परियां आसमान में उड़ गईं। अंधेरा गहरा गया। राजकुमारी यह सब देखकर एकदम से सथम्भ हो गई। उसने जैसे तैसे रात काटी। जब सवेरा हुआ तो डरते डरते जंगल में निकल गई। वहाँ उसे झरना दिखाई पड़ा। उसने अपना मुंह हाथ धोया, पानी पिया और वापस झाड़ी में आकर बैठ गई। राजकुमारी 3 दिनों तक सिर्फ पानी पी पी कर उस झाड़ी में बैठी सब तमाशा देख रही थी। रोज रात को यही कार्यक्रम होता रहता। वह चुपचाप मूक दर्शक बनके देखती रही। एक दिन जब सारी परियां चली गई, तब वह हिम्मत करके उठी और उसने संदूक का ढक्कन खोल दिया। राजकुमार के सिर के पास की लकड़ी को पैर के पास रख दिया और पैर के पास पड़ी लकड़ी को सर के पास रख दिया। राजकुमार उठकर बैठ गया। जब उसने अपनी पत्नी राजकुमारी वत्सला को देखा तो वह अचानक खड़ा हो गया। राजकुमारी ने उसको सहारा देकर बाहर निकाला। राजकुमारी उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, राजकुमार आपको इस तरह के जीवन से कैसे मुक्ति मिलेगी, आप यहाँ से वापस चलें। राजकुमार ने कहा, नहीं, अगर मैं चला जाऊँगा तो यह लोग सब कुछ तहस नहस कर देंगी, क्योंकि
नीली आंखों वाली परी के वरदान से ही मुझे जीवन मिला था और मेरा जीवन इतना ही था। तुम वापस घर चली जाओ। मेरी संदूक में एक घड़े में दही रखा हुआ है, उस दही को लेकर तुम मेरे माता पिता के महल चली जाओ। वहाँ तुम अपना वेश बदल कर जाना ताकि तुम्हें कोई पहचान ना पाए, और उसी महल में रहना। कुछ समय बाद ही तुम्हारी कोख से मेरे बेटे का जन्म होगा, तब मैं तुमसे मिलने आऊँगा, राजकुमार ने कहा। लेकिन इससे पहले तुम मुझे फिर से संदूक में जैसा था वैसा ही कर दो। राजकुमारी ने राजकुमार की सलाह मानकर वैसा ही किया। दही का घड़ा लेकर जंगल में भटकते भटकते अपने सास ससुर के महल में पहुंच गई। उसने मुख पर घूंघट डाला हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह महल के फाटक पर जैसे ही पहुंची, उसने रानी मैत्री को संदेश भिजवाया कि वह बहुत तकलीफ में है, उसे रहने की जगह चाहिए। रानी से उसकी तकलीफ देखी ना गई और उन्होंने रहने के लिए महल के पीछे एक कमरा दे दिया। जब रानी को यह पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तब रानी ने उसके खाने पीने का और उसकी देखभाल करने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। राजकुमारी वत्सला ने कुछ महीनों के बाद ही एक बेटे को जन्म दिया। रानी को जब यह पता चला, तब रानी ने उसके खाने पीने और रहने की व्यवस्था और बढ़ा दी। एक दिन रात को जब सभी सो रहे थे, तब वत्सला की खिड़की का दरवाज़ा खटका। उसने जब खिड़की खोली तो सामने राजकुमार देव खड़ा था। वह अपनी पत्नी से मिलने और अपने बेटे को देखने आया था। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। रानी मैत्रेय ने एक दिन किसी के बात करने की सुखबुकाहट सुनी। वह खिड़की के पास आ गई। तब उसने अपने बेटे को पहचान लिया और उसने उसको पकड़ लिया। रानी ने कहा, बेटा अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तुम यहीं रहो। हमें नहीं पता था कि तुम हमारी पत्नी है और यह तुम्हारा बेटा है। राजकुमार ने कहा, नहीं माँ, मैं नहीं आ सकता। इसका एक ही उपाय है, तुम इस बच्चे के होने का एक भव्य आयोजन करो और उन परियों को भी निमंत्रित करो। जब सब परियां आएंगी तो किसी तरह से नीली परी की बाहों में बना हुआ बाजूबंद ले लेना। उस बाजूबंद को अग्नि के हवाले कर देना और नीली आंखों वाली परी से मेरे प्राणों की भीख मांग लेना। शायद उसका दिल पिघल जाए और मैं वापस आ जाऊं। रानी ने डबडबाई आंखों से राजकुमार को विदा किया। दूसरे दिन ही पूरे महल में जोर शोर से बच्चे के पैदा होने का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो गई। उस जश्न में उन परियों को भी निमंत्रित दिया गया। रात को सभी परियां आईं, नाच गाना शुरू हो गया। तभी बच्चा जोर जोर से चीखे मारकर रोने लगा। नीली आंखों वाली परी ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया तो बच्चा चुप हो गया। रानी मैत्रिया ने कहा, लगता है इसे आपका बाजूबंद पसंद आ गया है, तभी तो यह इतनी देर से रो रहा था और आपकी गोद में आते ही चुप हो गया। आप थोड़ी देर के लिए इसे अपना बाजूबंद दे सकती हैं? नीली आंखों वाली परी कुछ नहीं बोली। उसने वह बाजूबंद उतारा और बच्चे के पास रख दिया। रानी तो इसी मौके की तलाश में ही थी। उसने वह बाजूबंद उठाया और सबकी आंखों से बचाकर जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। नीली आंखों वाली परी ने कहा, आपने ये क्या किया? अब हम राजकुमार को अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे। तब रानी उसके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, नीली आंखों वाली परी, आपके वरदान से यह राजकुमार हमारे पास आया था और आज आपसे हम इस राजकुमार के प्राण की भीख मांगते हैं। नीली आंखों वाली परी ने रानी मैत्रिया की कंधों से पकड़कर उठाया और ततास्तु कहा। नीली आंखों वाली परी ने बच्चे को आशीर्वाद दिया और राजकुमार को भी गले लगाकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे सब वहां से चली गईं। राजकुमार वापस अपने महल में आ गया। अपने परिवार में आकर वह बहुत खुश हुआ। राजा रानी और रानी वत्सला के जीवन में फिर से खुशियां आ गई थी। राजकुमार देव और रानी वत्सला का पुत्र देवांश बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और होनहार बालक था। समय बीतता गया और देवांश जवान हो गया। उसका चेहरा उसके पिता जैसा ही था। एक दिन देवांश घोड़े पर बैठकर जंगल में शिकार करने के इरादे से बहुत दूर निकल गया। उसे एक शेर दिखाई पड़ा। उसने तीर को धनुष पर चढ़ाकर निशाना लगा दिया।
तीर शेर की पीठ पर लगा और शेर जख्मी होकर अधिक खतरनाक बन गया। उसने राजकुमार के ऊपर उछलकर आक्रमण कर दिया। देवांश फुर्ती से अपने घोड़े के साथ उस स्थान से हट गया और शेर दूसरी तरफ जाकर गिर गया। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर अपनी तलवार निकाल ली थी। दोनों में लड़ाई होने लगी। शेर पीछे नहीं हट रहा था और देवांश का साहस बढ़ता जा रहा था। इस लड़ाई में दोनों ने एक दूसरे को घायल किया। अंत में देवांश ने अपनी तलवार से एक जबरदस्त प्रहार किया और शेर घायल होकर अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग गया। देवांश के पीछे से जनाना आवाज आई, शाबाश राजकुमार देव, आप तो बहुत बहादुर भी हो। देवांश ने पीछे मुड़कर देखा तो नीली आंखों वाली परी मुस्कुरा रही थी। जी, मेरा नाम देवांश है। श्री देव मेरे पिताश्री का नाम है। आप उनके बेटे हो। आपकी सूरत हूबहू आपके पिता जैसी है। आप सचमुच बहुत बहादुर हो, वरना शेर को देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप परीलोक से आई हैं? मेरा नाम नीलम परी है। आपके पिता मुझसे भली भांति परिचित हैं। अरे ये क्या, तुम तो बहुत जख्मी हो गए हो। चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इतना कहकर नीलम परी ने अपनी सितारा छड़ी का चमत्कार दिखाया और राजकुमार के सारे जख्म ठीक हो गए और निशान विशेष नहीं रहा। मैं हृदय तल से आपका आभारी हूँ। मेरे माता पिता ने आपके बारे में मुझे बताया है। मेरा सौभाग्य है जो आज आपके दर्शन कर रहा हूँ। नीलम परी की नीली आंखों में खुशी की चमक दिखाई दे रही थी। देवांश उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था। आप पृथ्वी लोक पर हमारी मेहमान हैं। यदि आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपको अपने राज्य में आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं भी आपके राजमहल में आना चाहती हूँ, लेकिन आज नहीं। मैं कई बार पृथ्वी लोक पर आती हूँ। ईश्वर ने आपको सुंदर रूप के साथ बहुत सुंदर मन भी दिया है। हमें आपका इंतजार रहेगा। आप पूरी कोशिश करके यथाशीघ्र हमारे यहाँ आइए। राजकुमार देवांश और नीलम परी दोनों की बातों का सिलसिला चलता ही रहा। देवांश ने नीलम परी को भी बहुत प्रभावित कर लिया था। आज पहली बार वह किसी पुरुष के प्रति एक अद्भुत आकर्षण महसूस कर रही थी। धीरे धीरे शाम हो गई। हे राजकुमार, अब मैं आज्ञा चाहती हूँ। मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगी। मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। नीलम परी ने मुस्कुराकर विदा ली और आकाश में उड़ गई। देवांश उसे देखता ही रह गया और फिर घोड़े पर बैठकर राजमहल पहुंच गया। देवांश रात्रि में अपने महल के झरोके से आकाश में चांद की तरफ देखते हुए नीलम परी को याद कर रहा था। उधर परीलोक में नीलम परी भी देवांश के ख्यालों में खो गई थी। नीलम, कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं। ऐसा लगता है तीर निशाने पर लगा है। चल हट, कुछ भी कहती है। इतना कहकर नीलम परी शर्माने लगी। देवांश के इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। नीलम परी ने राजमहल के अंदर प्रवेश किया। राजा देव, उसके पुत्र देवांश ने बड़ी ही गर्म जोशी के साथ उसका स्वागत किया। नीलम परी की आने की खुशी में राज दरबार में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया गया। देवांश की नजर बार बार नीलम पर ही जाकर अटक जाती थी। उसकी माँ ने भी ये भांप लिया था। देवांश मौका पाते ही नीलम परी के समीप पहुँच जाता था। नीलम परी के मन में भी रानी बनने के सपने सजने लगे थे। देवांश जब नीलम परी को छोड़ने रथ से बाहर गया, तब उसने अपना प्रणय निवेदन जाहिर कर दिया। नीलम परी, क्या आप मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करेंगी? क्या आप मेरी जीवन संगिनी बनेंगी? नीलम परी शर्माने लगी। उसने सर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। देवांश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया की खुशी सिमट कर उसकी झोली में आ गई। हे राजकुमार, हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन... लेकिन क्या है नीलम जी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या परीलोक हमें इस बात की इजाज़त देगा? क्या रानी परी हमारा विवाह होने देंगी? मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। ऐसा ना कहिए, कुछ भी हो जाए मैं रानी परी को मना कर ही रहूंगी। मैं अब आज्ञा चाहती हूँ। आपसे बिछड़ने का जी तो नहीं करता, परंतु मजबूर हूँ। मैं आपका इंतजार करूंगा। नीलम परी ने विदा ली और उड़ चली। परीलोक में पहुँच कर नीलम परी ने सारी बातें रानी परी के समक्ष रख दी। कदापि नहीं,
तुमने सोच कैसे लिया कि मैं एक मनुष्य के साथ तुम्हारे विवाह की अनुमति दे दूंगी? परी रानी माँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना जीना संभव नहीं है। अपने प्यार को भूल जाओ, एक मनुष्य के साथ परी का विवाह कतई संभव नहीं है। अगर तुमने बगावत की तो सदैव के लिए परी लोक से तुम्हारा संबंध समाप्त हो जाएगा, तुम्हारी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी। यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। ये सुनकर नीलम परी डर के मारे कांपने लगी। वे रानी परी के गुस्से से भली भांति परिचित थी, इसीलिए वहाँ से बहुत दुखी होकर चुपचाप चली गई। देवांश प्रतिदिन नीलम परी का इंतजार करता रहा, लेकिन उसे हर रोज निराशा ही मिली। इसी तरह से महीनों बीत गए। वे एक दिन गंभीर रूप से बीमार हो गया। राज वैद्य और सभी वैद्य मिलकर भी उसका इलाज ना कर सके। नीलम परी को भी परीलोक में ऐसा आभास हो रहा था जैसे देवांश गंभीर रूप से बीमार है। वे रानी परी से आज्ञा लेकर देवांश के राजमहल में पहुंच गई। देवांश ने जैसे ही नीलम परी को देखा, उसके मन में एक नई चेतना आ गई। नीलम ने झट से देवांश को अपनी सितारा छड़ी से स्वस्थ कर दिया। देवांश स्वस्थ तो हो गया, लेकिन उसकी आवाज चली गई। नीलम परी की तमाम कोशिशों के बावजूद देवांश बोल ना सका। इसके पीछे भी रानी परी का ही हाथ था। प्रियवर, अब एक ही रास्ता है। मैं अपनी आवाज को समाप्त कर आपको आपकी आवाज दे सकती हूँ। मैं अब परीलोक को त्याग कर यही सदा के लिए आपके साथ रहूंगी। देवांश ने इशारे से उसे मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने अपने विशिष्ट शक्ति का प्रयोग करके अपनी आवाज की कुर्बानी देकर अपने प्रियतम की आवाज उन्हें वापस कर दी। नीलम परी, आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरी खातिर अपनी आवाज की कुर्बानी दे दी। इससे पहले भी हम पर आपके बहुत एहसान है, मेरी आवाज चली गई थी तो क्या हुआ? आपकी मधुर आवाज में सदैव सुनना चाहता था। हे भगवान, हमारा और कितना इम्तहान लोगे? नीलम परी ने इशारे से देवांश को समझाया। रानी परी एक जादुई गोले पिंड में से यह सब कुछ देख रही थी। अंततः उसका दिल पसीज गया। इन दोनों के सच्चे प्यार के सामने उसे अपना फैसला बदलना पड़ा। प्यार की जीत हुई। अचानक नीलम बोलने लगी, राजकुमार, मैं बोल सकती हूँ। हाँ हाँ, मेरी आवाज वापस आ गई है। नीलम, आप बोल सकती हैं, हम दोनों ही बोल सकते हैं। भगवान आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई है। रानी परी ने अपनी स्वीकृति का संदेशा नीलम परी के पास भेज दिया। नीलम परी ने अपनी शक्तियों से उस स्वीकृति को पा लिया। दोनों प्रेमी असीम खुशी से झूम उठे। शानदार ढंग से राजकुमार देवांश और कंचन परी का विवाह संपन्न हुआ। उनकी झोली खुशियों से भर गई। नीली आंखों वाली परी। राजकुमार देवांश और नीलम परी के विवाह के बाद कुछ ही सालों के बाद उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। पूरे राज्य में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। परीलोक से आई सभी परियों ने बच्ची को ढेरों आशीर्वाद और उपहार दिए। किसी परी ने सुंदरता का, तो किसी परी ने सुनहरे बालों का, नीली आंखों का, और किसी ने सुंदर हंसी का, तो किसी ने मोती गिरने वाले आंसुओं का। नीलम परी, तुम्हारे प्रेम के आगे मुझे झुक जाना पड़ा था। तुम्हारे धरती पर आ जाने से परीलोक का एक कोना सूना पड़ा है। अब मैं चाहती हूँ कि इस बच्ची को परीलोक ले जाकर तुम्हारी कमी पूरी कर लूँ। कुछ ही समय के बाद तुम एक दूसरे बच्चे को जन्म दोगी जो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। नहीं, ऐसा मत करिए, मुझे मेरी बच्ची वापस दे दीजिए। जब दूसरा बच्चा आएगा तब आप इसको ले जाइएगा। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ये कहकर रानी परी दूसरी परियों के साथ वहाँ से चली गई। नीलम परी और राजकुमार देवांश अपनी बच्ची से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने प्यार से उसका नाम नूर रखा था। जब वह 2 महीने की हुई तभी एक दिन, राजकुमार देवांश, ये देखिए, नूर जब मुस्कुराती है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, और रोती है तो उसकी आंखों से मोती बरसते हैं। ऐसा अद्भुत और अनोखा संयोग तो मैंने ना सुना है और ना ही देखा है। नीलम, ये तो वैसे भी परीलोक के अलौकिक आशीर्वादों वाली बच्ची है।
इस बच्ची के ऐसे अद्भुत गुणों के बारे में किसी भी दासी, दास या बाहर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, वरना लालच में आकर कोई इसे उठा ले जाएगा। हाँ, मैं तो इसकी आंखों से गिरा हर मोती संभाल कर मखमली कपड़े में रख देती हूँ, पर वो दिन सोचकर सिहर जाती हूँ कि जिस दिन परीलोक से रानी परी इसको लेने आ जाएंगी उस दिन क्या होगा। नीलम, हमें उसका कोई उपाय सोचना होगा। हाँ राजकुमार, आपको एक बात बतानी थी कि मैं रानी परी के आशीर्वाद से दोबारा माँ बनने वाली हूँ। नीलम, मैं बहुत खुश हूँ, हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन इस बच्चे के आने के बाद ही राजकुमारी नूर को रानी परी ले जाएंगी। ये कहते कहते नीलम परी की आंखों से आंसू का एक कतरा गिर गया। नीलम, तुम अपना मन उदास मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ महीनों के बाद ही नीलम परी ने एक खूबसूरत बालक को जन्म दिया। उसके जन्मोत्सव वाले दिन पूरे राज्य के लोगों को निमंत्रण था। उस राज्य के पड़ोस वाले राज्य में एक चालाक कुबड़ी थी। उसको किसी तरह से यह पता चल गया था कि राजकुमारी नूर के आंसुओं से मोती निकलते हैं। अगर किसी तरह मैं उस राजकुमारी को यहाँ से दूर लेकर चली जाऊंगी तो माला माल हो जाऊंगी। जब सभी लोग उत्सव में मशगूल थे तभी वह चुपचाप गई और दासी के हाथ से नूर को ले लिया। वो उसको सुला रही थी। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, महारानी नीलम कब से बच्ची को ढूंढ रही है, लाओ मुझे दे दो बच्ची को। वह महल के पीछे के फाटक पर गई। वहाँ के पहरेदार भी उत्सव का आनंद ले रहे थे। फाटक के दूसरी तरफ पहले से ही उसने अपने बेटे को खड़ा कर रखा था। बच्ची उसको देकर, जल्दी इसको लेकर जा, मैं अभी आती हूँ, बच्ची बिल्कुल रोने ना पाए। इतना कहकर वह सामने के फाटक से खाली हाथ निकल गई। किसी ने उसको रोका भी नहीं। नूर की दासी जब नीलम परी के पास आई, राजकुमारी नूर को ले आओ, अभी परी लोक से आने वाली परियों के आने का समय भी हो गया है। रानी साहिबा, आपने ही तो उस कुबड़ी को भेजकर राजकुमारी नूर को मंगवाया था। क्या, कौन कुबड़ी? मैंने तो किसी कुबड़ी को देखा भी नहीं। चारों तरफ सिपाही दौड़ा दिए गए, लेकिन तब तक कुबड़ी राजकुमारी नूर को लेकर उड़नछू हो चुकी थी। पता नहीं उसको धरती निगल गई या आसमान खा गया, उसका कहीं पता नहीं चला। नीलम परी का रो रो कर बुरा हाल था। सभी परियां आईं। नीलम, कहीं तुम्हारे और राजकुमार देवांश के नूर के प्रति प्रेम और ममता ने तुम लोगों को यह नाटक रचने के लिए मजबूर तो नहीं किया है? परी माँ, मैं भी आपके परीलोक की ही परी हूँ, क्या मैं कभी ऐसा सोच सकती हूँ? हाँ, तुम तो परीलोक से ही आई हो, पर राजकुमार देवांश इसी मनुष्य लोक के इंसान है, इसीलिए मैं ऐसा सोचने पर मजबूर हो गई। हम दोनों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि राजकुमारी नूर परीलोक में जाकर कितने नाजों से पलेंगी। आप जैसी परियों के सानिध्य में वह निखर जाएगी। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? लगता है मेरे धरती लोक पर रहने की वजह से अभी तक आपने मुझे क्षमा नहीं किया है। अच्छा तुम रो मत, राजकुमारी नूर जहाँ भी होगी हम उसे ढूंढ निकालेंगे। रानी परी, आप शीघ्र ही अपनी दिव्य शक्तियों से पता करके बताइए कि नूर कहीं सुरक्षित जगह पर है या नहीं। रानी परी महल के एक कमरे में गई। वहाँ वो आंखें बंद करके बैठ गई। तभी उनकी नजर के सामने वो कुबड़ी औरत आ गई, जो घने जंगलों के बीच में एक टूटे फूटे खंडहर में नूर के सिरहाने बैठी उसकी रखवाली कर रही थी। रानी परी ने नीलम परी को बुलाया। नीलम परी, हमें बहुत जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना वह चालाक कुबड़ी हमारी नूर को नुकसान पहुँचा सकती है। रानी परी, मुझे क्षमा करें, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ और स्वयं उस कुबड़ी को सजा देना चाहती हूँ। नीलम, तुम महल में ही रहो, जंगल में जाना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। हम राजकुमारी नूर को तुम्हारे पास लेकर ही आएंगे, तुम राजकुमार का ध्यान रखो। यह कहकर रानी परी अन्य परियों के साथ अपने उड़न खटोले पर बैठी और चली गई। उड़न खटोला जैसे ही घने जंगलों में पहुंचा, घनघोर घटा छा गई, बिजली चमकने लगी।
पूरा जंगल कांप उठा। सारे पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर दुबक कर बैठ गए। उड़न खटोले की आवाज सुनकर कुबड़ी उस खंडहर से निकलकर बाहर आ गई। जैसे ही उसने उड़न खटोले को देखा, वहां से बच्ची को लेकर जंगल में भागने लगी। रानी परी उसके पास पहुंच गई। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। लालच में आकर तुमने नीलम परी की ममता से छल किया है। अब तुम और तुम्हारा बेटा इस घने जंगल से कभी बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा मत करो, मैं भटक गई थी, मुझे श्राप मुक्त कर दो। ये सब गलत काम करने से पहले सोचना चाहिए था। ऐसा कहकर वो बच्ची को लेकर उड़न खटोले पर बैठ गई और नीलम परी के पास आ गई। ओह परी माँ, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मेरी नूर को मुझे वापस देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नीलम, मैं तुम्हारी ममता और प्यार के आगे दोबारा नतमस्तक हो गई। अब मैं कभी नूर को नहीं ले जाऊंगी, ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। मैं भूल गई थी कि तुम परी लोक में नहीं बल्कि मनुष्य लोक में हो, जहाँ कदम कदम पर धोखा फरेब षड्यंत्र करने वाले रहते हैं। मैंने तुम्हारी अद्भुत शक्तियाँ पहले ही तुम्हें वापस कर दी थी, परंतु ये लो अपनी सितारा छड़ी, लो ये तुम्हें कुबड़ी जैसे षड्यंत्रकारी लोगों से बचने में मदद करेगी। मैं कभी कभी तुम सब से मिलने आऊंगी। ऐसा कहकर रानी परी ने राजकुमारी नूर को नीलम परी की गोद में पकड़ा दिया और वहाँ से चली गयी।